हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नहीं आ रहे बाज, अब भारत ने दे डाली कड़ी चेतावनी, याद दिलवा दिया वियना कन्वेंशन। जी हां दोस्तों, जिसके बाद कनाडा में मच गया हड़कंप। साथ ही साथ बताएंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़, भारत को थी दहलाने की कोशिश, लश्कर के 5 दहशतगर्द हुए ढेर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां जरा चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की भी सुन लो। जिनपिंग कह रहे हैं ना हमने युद्ध भड़काया ना विदेशी जमीन कब्जाई। जी हां, एक से एक खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा में खालिस्तानी समर्थक नहीं आ रहे बाज, भारत ने दी कड़ी चेतावनी, याद दिलाया वियना कन्वेंशन। बता दें कनाडा में खालिस्तान समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गुरुद्वारे को खालिस्तान समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय मिशन की ओर से आयोजित एक काउंसलर शिविर को बाधित करने की कोशिश की। इस घटना के बाद भारत ने कनाडा को वियना कन्वेंशन का पालन करने को कहा, जिसके अनुसार राजनयिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति मिलनी चाहिए। वैंकूवर की घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडा में हमारा उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास नियमित रूप से काउंसलर शिविरों का आयोजन करते हैं। ऐसा ही एक शिविर पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 12 नवंबर को वैंकूवर के पास आयोजित किया गया था, जहां कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने परेशानी पैदा करने की कोशिश की। इसके बावजूद ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत ने कनाडा को समझा दिया है कि वियना कन्वेंशन का पालन करें, ताकि उसके अधिकारी बिना किसी रोक टोक के ठीक से काम कर सके। कनाडा में दिवाली समारोह के दौरान भारतीय समुदाय पर कथित हमले के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, मैंने इस तरह की कुछ सोशल मीडिया रिपोर्टें देखी थी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से सबसे बड़ा सवाल यह है, जिनको पता है वो जरूर बताएं कि वियना संधि क्या है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़, लश्कर के 5 दहशतगर्द हुए ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सेना और आतंकियों बीच गुरुवार बोले तो 16 नवंबर से ही मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर IGP विधि कुमार बिरधी ने बताया कि अभी तक 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी तक फाइनल स्टेज में है। कुलगाम में गुरुवार से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के हैं। ये वही लश्कर ए तैयबा है जिसका प्रमुख हाफिज सईद है। भारतीय सेना ने फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। कुलगाम के सामनू इलाके में गुरुवार 16 नवंबर को मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी। अभी सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट, पुलिस और CRPF मिलकर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए इलाके में घेराबंदी तेज कर दी गई। दूर दराज इलाका होने की वजह से सेना बिल्कुल अलर्ट मोड में आतंकियों को तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के 2 स्थानीय और एक विदेशी आतंकी को घेर लिया गया है। हालांकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। कुलगाम के इस इलाके में गुरुवार रात को शांति रही, मगर शुक्रवार सुबह से ही गोलियां चलने की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है। ऐसे में दोस्तों इंडियन आर्मी को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इस नए ऑपरेशन के लिए। एक और खबर की बात करें, जहां जरा चीन की भी सुन लो। जिनपिंग कहने लगा कि ना हमने युद्ध भड़काया आज तक, ना विदेशी जमीन कभी कब्जाई। बता दें भारत के साथ सीमा पर तल्खी के बीच चीन अपनी नीतियों पर सफाई देता नजर आ रहा है। APEC यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन ने कभी भी युद्ध नहीं भड़काया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि चीन ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। खास बात है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 2020 से ही दोनों पक्षों में तनाव है। जिनपिंग का कहना था कि पीपुल्स रिपब्लिक चीन की स्थापना के 70 और उससे ज्यादा वर्षों के दौरान चीन ने कभी भी युद्ध नहीं भड़काया या 1 इंच विदेशी जमीन पर कब्जा नहीं किया। खास बात है कि भारत से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना की गतिविधियों से जुड़ी खबरें सामने आती रही हैं। साल 2020 में चीन और भारतीय बलों के बीच गलवान में झड़प हो गई थी। मई 2020 से ही चीनी बल लगातार पूर्वी लद्दाख में LAC पर स्थिति को बदलने की कोशिश में है। फिलहाल दोनों बलों की पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। 2020 से ही 50,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक LAC में कई मोर्चों पर तैनात है। अब ऐसे में एक तरफ तो बॉर्डर पर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करता है चाइना दोस्तों, भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ बातों से उन चीजों को ढकने की कोशिश
की जा रही है और इसको कोई और नहीं बल्कि खुद चीनी राष्ट्रपति ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर भारतीयों का जवाब तो बनता है दोस्तों चीनी राष्ट्रपति को लेकर। अगली खबर की बात करें जहां जो बाइडेन के शी जिनपिंग को तानाशाह कहने पर विवाद, ब्लिंकिन ने कहा ये कोई ढकी छिपी बात नहीं। जी हां, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई थी। इस दौरान अपने एक बयान में बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह बता दिया था। जिस बात पर विवाद हो गया, चीन ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने बाइडेन के बयान का बचाव किया और कहा है कि ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। दरअसल पत्रकारों ने एंटनी ब्लिंकिन से बाइडेन के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या ये अमेरिकी सरकार का स्टैंड है। इस पर ब्लिंकिन ने सफाई देते हुए कहा, खैर ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, हम दोनों देश बिल्कुल अलग व्यवस्थाएं हैं। ब्लिंकिन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने हम सभी की तरह इससे वो बात कही थी। राष्ट्रपति हमेशा खुलकर बात करते हैं और यही वजह रही कि उन्होंने हम सभी की तरफ से वो बात कही थी। ब्लिंकिन ने कहा कि हम आगे भी ऐसी बातें करते रहेंगे जो शायद चीन को पसंद ना आए, ऐसे ही चीन भी काम करता रहेगा जो शायद हमें पसंद ना हो। ऐसे में दोस्तों अगर बाइडेन ने जिनपिंग के साथ मीटिंग करने के बाद इस प्रकार का जो बयान दिया है दोस्तों, वास्तव में ये दिखाता है कि बाइडेन चीन से कितना ज्यादा किलस चुका है दोस्तों। और वास्तव में इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो कतई भी प्रोडक्टिव हो नहीं पाई और कहीं ना कहीं बाइडेन को ठेस अवश्य लगा है, जो सीधा बाहर निकलते ही जिनपिंग के बारे में जिनपिंग को तानाशाह बता दिया। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। क्या आपको नहीं लगता कि बाइडेन ने ये काम तो बहुत सही किया है। चलते हैं और खबर की तरफ जहां दोस्त इजराइल लगा रहा गुहार, फलस्तीनियों की जगह लेंगे 1 लाख भारतीय श्रमिक। आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध? आपको बता दें इजराइल पर हमास के खूनी हमले के बाद गाजा में जंग जारी है। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, तो वहीं हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए हैं। इस हमले के बाद अब इजरायल की सरकार ने हजारों की तादाद में काम करने वाले फलस्तीनी लोगों का वर्क परमिट खत्म कर दिया है। दरअसल हमास के हमले के बाद खुलासा हुआ था कि इन फलस्तीनी कंस्ट्रक्शन मजदूरों में से कई लोगों ने हमले के दौरान इजरायल के अंदर लूटपाट की थी। अब इजरायल चाहता है कि फलस्तीनी मजदूरों की जगह भारत के 1 लाख कामगारों को बुलाया जाए। इजरायल के इस प्लान का विरोध भी शुरू हो गया है। बता दें कि इजरायल में श्रमिकों को भेजने की खबरें भारत के ट्रेड यूनियन को रास नहीं आ रही। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था से भारतीयों को गंभीर जोखिम होगा। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार से इजरायल के निर्माण क्षेत्र द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने का आह्वान किया है। वहीं ब्रिटिश मानवाधिकार समूह फेयर स्क्वायर ने भी भारत सरकार से अपने नागरिकों को इजरायल ना भेजने का आग्रह किया है जो निर्वासित फलस्तीनी श्रमिकों की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि यह अनुचित होगा और भारत को इस हिंसा का लाभ उठाने से बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सभी से सवाल है कि क्या भारत के 1 लाख श्रमिकों को इजरायल भेजा जाना चाहिए? दोस्तों क्या ये कहीं से कहीं तक हमारे भारतीय श्रमिकों के साथ जस्टिस होगा? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट भारी मात्रा में करिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके इस गंभीर मुद्दे पर। अगली खबर की बात करें जहां पर चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार के व्यवहार से लोग हंसते हैं, कहा ताड़ी बेचने वाले जेल में माफिया बाहर है। जी हां, जमुई सांसद चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार के बालू माफिया और अस्पताल में हो रहे गोरख धंधे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार से लोग हंसते हैं, आज ताड़ी बेचने वाले जेल में है और माफिया लोग बाहर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, आए दिन किसी न किसी को दुख देखना पड़ रहा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार की सरकार है। अगली खबर की बात करें जहां मध्य प्रदेश में वोटिंग के बीच कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा, कहा कुचल कुचल कर मार डाला गया पार्षद सलमान। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार बेहद शांतिपूर्ण रहा लेकिन वोटिंग के दिन जगह जगह हिंसक झड़पें हुई। छतरपुर में तो कांग्रेस के एक मुस्लिम पार्षद की जान चली गई। छतरपुर के राजनगर में कथित तौर पर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट के दौरान सलमान को कुचल कुचल कर मार डाला गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर उसे गाड़ी से कुचल डाला। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया है और केस दर्ज करने की बात कही है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत